नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड 19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में किसान उपयोगी जरूरी जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। आइए देखते हैं क्या है खास आज के कार्यक्रम में। केंद्र ने मिल मालिकों थोक विक्रेताओं के लिए दालों के स्टॉक में दी ढील, 31 अक्टूबर तक उठा सकेंगे ढील का फायदा। डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने की कोशिश, पशुपालन विभाग ने स्थापित किया डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलेटर। एपिडा ने चावल उत्पादकों के लिए चलाया जागरूकता अभियान, गुणवत्तापूर्ण चावल उगाने के लिए किया प्रेरित। किसानों को उनकी भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया। और आइए अब समाचार देखते हैं विस्तार से। केंद्र सरकार ने मिल मालिकों और थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा में ढील दे दी है। 17 जुलाई को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया। बैठक में दाल के आयातक, मिल मालिक, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता सहित दूसरे कई हितधारक मौजूद थे। उम्मीद की जा रही है कि इस कदम से किसानों को लाभ मिल सकेगा। दाल की कीमतों में नरमी आने के बाद केंद्र सरकार ने दाल स्टॉक की सीमा में ढील दे दी है। इसके साथ ही थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक की सीमा 500 टन हो गई है, जबकि मिल मालिक पिछले 6 महीने तक उत्पादन या वार्षिक स्थापित क्षमता के 50% में जो भी अधिक हो उसका स्टॉक कर सकते हैं। दूसरी ओर खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 5 टन रहेगी। ये सीमा अलग अलग हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। हालांकि इन संस्थाओं को उपभोक्ता मामले विभाग के वेब पोर्टल पर अपने स्टॉक की घोषणा करनी होगी। स्टॉक सीमा केवल अरहर, उड़द, चना और मसूर दाल पर लागू होगी। ये 31 अक्टूबर 2021 तक लागू रहेगी। थोक विक्रेताओं के लिए ये भी शर्त है कि वो 500 टन में किसी एक किस्म की 200 टन से अधिक दाल का स्टॉक नहीं कर पाएंगे। अगर किसी संस्था के पास स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वो इसे अधिसूचना के जारी होने के 30 दिन में निर्धारित स्टॉक सीमा के भीतर लाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि भारत सरकार दालों जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। इसके लिए उसने 14 मई को अलग अलग श्रेणियों के हितधारकों के लिए दालों के स्टॉक की घोषणा की और उसके बाद 2 जुलाई को दालों पर स्टॉक सीमा निर्धारित करने जैसे कदम उठाए। इन उपायों का उद्देश्य दालों की खुदरा कीमतों में लगातार कमी लाना था और ऐसा हुआ भी। पिछले 2 महीनों में मसूर को छोड़कर सभी दालों के थोक मूल्यों में 3 से 4% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा कीमतों में गिरावट 2 से 4% रही। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा दलहन व्यापार में शामिल सभी हितधारकों के सहयोग से 2 महीने की छोटी सी अवधि में संस्थानों ने 8,343 पंजीकरण किए और विभाग के वेब पोर्टल पर 30 लाख टन से अधिक के स्टॉक की घोषणा की। पशुपालन और डेयरी विभाग डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने और उसे सुगम बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी दिशा में उसने डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर की स्थापना की। ये एक्सेलरेटर निवेश के साथ इंटरफेस के रूप में काम करने के लिए गठित की गई एक क्रॉस फंक्शनल टीम है, जो निवेश चक्र में सहायता प्रदान करेगी। इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर की स्थापना का मकसद निवेश अवसरों के मूल्यांकन के लिए विशिष्ट जानकारी प्रदान करना, सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन संबंधित सवालों का जवाब देना, रणनीतिक साझेदारों के साथ जुड़ना, राज्य के विभागों और संबंधित प्राधिकरणों के साथ जमीनी रूप से सहायता प्रदान करना। इसके अलावा डेयरी इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर पशुपालन और डेयरी विभाग के सहयोग से वैश्विक और स्थानीय उद्योग प्रतिभागियों के साथ मिलकर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। साथ ही निवेशकों के साथ आमने सामने चर्चा करेगा, जिससे उनके दृष्टिकोण को समझा जा सके, सरकारी अधिकारियों के साथ उनकी सीधी बातचीत को सुगम बनाया जा सके और उद्योग के दूसरे निवेशकों के साथ जुड़ा जा सके। डेयरी इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर के माध्यम से निवेशकों के बीच पशुपालन अवसंरचना विकास कोष के बारे में जागरूकता फैलाने का भी काम किया जाता है। 15,000 करोड़ रुपए के इस कोष के अंतर्गत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों और संभाग 8 कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
पात्र संस्थाओं की ओर से इस योजना का लाभ डेयरी प्रसंस्करण और संबंधित मूल्य संवर्धन की बुनियादी अवसंरचना, मांस प्रसंस्करण और संबंधित मूल्य संवर्धन बुनियादी अवसंरचना के साथ साथ पशु आहार संयंत्र के क्षेत्रों में नई इकाइयों की स्थापना या मौजूदा इकाइयों के विस्तार के लिए उठाया जा सकता है। ऋण 6 साल में अदा करना है। निर्धारित अवधि में अदा न करने वालों को 2 साल की छूट मिलेगी और ब्याज में 3% की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही 750 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी भी। इस कोष से उन सभी निजी कंपनियों, विशिष्ट उद्यमियों और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाता है जो डेयरी एस्केलेटर @ismgr.nic.in पर डेयरी क्षेत्र में निवेश करने और इन्वेस्टमेंट एस्केलेटर तक पहुँच प्राप्त करने में दिलचस्पी दिखाते हैं। डेयरी क्षेत्र के बाजार में वृद्धि के लिए प्रसंस्करण, शीतलन, लॉजिस्टिक और पशु चारे के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना निवेश की जरूरत होती है। इसके अलावा मूल्य संवर्धित डेयरी उत्पादों, ताजा दूध और निर्यात जैसे क्षेत्रों में नए आकर्षक अवसर मौजूद हैं। डेयरी क्षेत्र में पर्याप्त रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया जा रहा है जो कि भारतीय खाद्य क्षेत्र में कुल विदेशी निवेश का लगभग 40% है। और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। एपीडा ने बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन के जरिए बासमती चावल उत्पादक के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य चावल निर्यात को बढ़ावा देना है। ये फाउंडेशन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा की एक शाखा है। बासमती चावल की खेती भारतीय परंपरा है और दुनिया भर में बासमती चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भारत निर्यात के जरिए इस मांग का फायदा उठा सकता है, लेकिन निर्यात के लिए जरूरी है कि हमारा उत्पादन गुणवत्ता के मामले में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला हो, खासकर उसमें रासायनिक उर्वरकों या फिर कीटनाशकों का असर मानक के अनुरूप ही हो। एपीडा की शाखा बासमती निर्यात विकास फाउंडेशन यानी BEDF अपने जागरूकता अभियान में इसी बात को समझाने की कोशिश कर रही है। इस पहल के एक हिस्से के रूप में BEDF ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आने वाले
जहांगीरपुर इलाके में एक जागरूकता अभियान शुरू किया। ये अभियान ऐसे वक्त शुरू किया गया जब सरकार देश की आजादी के 75 साल के उपलक्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। किसान जागरूकता अभियान इस महोत्सव की कड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 125 से अधिक किसानों ने इस जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया। इसके दौरान किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली बासमती का उत्पादन करने के लिए सही मात्रा में रसायनों और उर्वरकों का उपयोग करने की सलाह दी गई, ताकि उन्हें दुनिया में बासमती चावल की मांग बढ़ाने में मदद मिल सके और उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। वर्ष 2020 और 21 में भारत ने 29,849 करोड़ रुपए मूल्य का 46,30,000 टन बासमती चावल का निर्यात किया। एपिडा मूल्य श्रृंखला में मौजूद अलग अलग हितधारकों के सहयोग से चावल के निर्यात को बढ़ावा देता रहा है। सरकार ने एपिडा की मदद से चावल निर्यात संवर्धन फोरम की स्थापना भी की थी, जिसमें चावल उद्योग निर्यात को एपिडा के अधिकारियों और वाणिज्य मंत्रालय के अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सहित प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों के कृषि निदेशक शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 93वें स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया। ये प्लेटफॉर्म किसानों को उनकी वांछित भाषा में ही सही समय पर सही जानकारी पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आइए इस पर नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कृषि और किसान देश की रीढ़ है। इन दोनों की उन्नति के लिए सरकार की ओर से काफी सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। आज के दौर में जब हर चीज डिजिटल हो गई है तो कृषि और किसान भी पीछे क्यों रहे। जी हाँ, इसी को देखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर किसानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म पर किसान अपनी पसंदीदा भाषा में संबंधित जानकारी ले सकेंगे। कार्यक्रम में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री वैष्णव ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसान सीधे तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र के संबंधित वैज्ञानिकों, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर व्यक्तिगत सलाह ले सकते हैं। वहीं केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने आश्वासन दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, संचार मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय किसानों को सशक्त बनाने में जरूरी सहायता प्रदान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और इसी के साथ ही आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत आत्मनिर्भर भारत में। धान की फसल को स्वस्थ एवं निरोगी रखने के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर वाई एस शिवे ने विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आइए देखते हैं। जिन किसान भाई और बहनों ने समय से धान की रोपाई की है, उनकी फसल जो है लगभग 20 से 25 दिन की हो गई होगी। तो इस समय जो है मुख्य शस्य क्रिया जो है इस बात का ध्यान रखना, पोषक तत्व प्रबंधन। यदि हम गोबर की गली सड़ी खाद डाल रहे हैं तो 10 से 12 टन रोपाई के समय डाल देनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की जो है हमारी मात्रा लगभग
130 से 140 किलोग्राम जो अधिक उत्पादन देने वाली फसलें हैं, लंबी अवधि की किस्में हैं, उनके लिए जरूरत पड़ती है। इसी के साथ साथ जो है 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास, 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट की। जब हम लास्ट पर्लिंग करते हैं उस समय जो है हम पर्लिंग करने से पहले जो है पूरी फास्फोरस की मात्रा सिंगल सुपर फॉस्फेट के रूप में, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट से हमको फास्फोरस के साथ साथ सल्फर भी मिलती है, तो हमारे दोनों पोषक तत्वों की आपूर्ति सिंगल सुपर फॉस्फेट से हो जाती है। पोटास की जो है म्यूरेट ऑफ पोटास से देना चाहिए, और जिंक को जो हमको जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो 21% का जिंक आता है, क्योंकि उसमें सल्फर भी होती है जिंक भी होती है, तो हमको लास्ट पर्लिंग के समय डाल देना चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को जो हमको उस समय नहीं देना चाहिए, बल्कि रोपाई के जो है हमको लगभग 6 से 8 दिन बाद देना चाहिए, ताकि हमारे जो हैं पौधे जड़ें मजबूत हो जाएं और जड़ें जो हैं हमारी नाइट्रोजन को लेने की क्षमता रखें। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन को 3 भागों में बांट कर देंगे, अर्थात पहली डोज जो है 6 से 8 दिन बाद, दूसरी डोज जो है 25 से 30 दिन रोपाई के बाद देनी है, और जो हमारी 1/3 भाग बची हुई है उसको जो है हम 50 से 60 दिन बाद देनी चाहिए। बासमती धान के लिए मैं बताना चाहूँगा, थोड़ी नाइट्रोजन की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। विशेषकर जैसे हम पूसा बासमती 1121 लेते हैं, पूसा बासमती नंबर 1 लेते हैं, पूसा बासमती 1612 लेते हैं, या पूसा बासमती 1401, पूसा बासमती 1460, इन किस्मों को लेते हैं, तो इनमें नाइट्रोजन की लगभग 100 से 110 किलोग्राम नाइट्रोजन की मात्रा की जरूरत पड़ती है। उसको भी लेकिन 3 भागों में बांट कर देने की जरूरत होती है। तो पानी जो है आपको इस बात का ध्यान रखना है, दरार पड़ने से पहले पानी देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी खड़ा नहीं रखना है, बल्कि 2 से 3 सेंटीमीटर पानी खड़ा रहेगा तो उसके अंदर जो खरपतवार भी कम आएंगे और अच्छे कल्ले बनेंगे। इनकी फसल 20 से 25 दिन की होगी है, तो कुछ पौधे किसी कारणवश मर गए होंगे या किसी कारणवश कोई बीमारी आ गई होगी, जैसे विशेषकर हमारी जो है इसके अंदर जो बकाने दी जाती है, तो उन पौधों को निकाल दें जिनमें बकाने देखी गई है, और या उसके साथ साथ पौधे कुछ मर गए उसके स्थान पर जो है उसी किस्म के दूसरे पौधों को लगाएं, उसको हम गैप फिलिंग कहते हैं। किसान भाई और बहनों, यदि आप देर से रोपाई कर रहे हैं किसी कारणवश जो है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको, जो हमारी कम अवधि वाली किस्में हैं उन्हीं को रोपाई करना चाहिए, पूसा 1692, पूसा 1509, इनको लगाना चाहिए। जो किस्में हमारी हैं बहुत अच्छी हैं और अच्छी पैदावार देती हैं, इनका जो रोपाई का अनुमोदन है वो 20 से 25 जुलाई तक भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको ये ध्यान रखने की जरूरत होती है कि खेत को जो है हम लेवलर द्वारा जो है इकसार कर लें, समतल करने के बाद में फिर पानी भर के 5 से 7 सेंटीमीटर तो हम पडलर द्वारा जो है उसकी जुताई करें, और जुताई करते समय जो है इस बात का ध्यान रखें कि हम 3 से 4 बार जो है उसकी जुताई करें, और जब हमारा जुताई करने के बाद में लेज फिर पटेले से जो इकसार कर लें और उसके बाद में जो रोपाई करें। रोपाई करते समय जो है लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी है, और जो है एक स्थान पर 2 से 3 पौधे लगाएं, और यदि आपकी पौध जो है कोई ज़्यादा अवधि की हो गई है, अर्थात 25 से 30 दिन की या 35 दिन की हो गई है, तो ऊपर से काट के तभी जो है उसकी पत्तियों को तभी रोपाई करें। तो इस तरीके से जो करेंगे रोपाई तो कल्ले अच्छे बनेंगे और आपकी पैदावार अच्छी होगी। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि देर से रोपाई करते समय भी पोषक तत्व प्रबंधन जो है हमको किस्म के अनुसार करना है। यदि आप, मैंने ये 2 किस्में बताई हैं देर से रोपाई कर रहे हैं, तो इसके लिए लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 से 50 किलोग्राम पोटास और 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, पूरी मात्रा फास्फोरस की, पोटास की, जिंक सल्फेट की आखिरी जुताई करते हैं पानी भरते समय, तो उस समय कर दे देनी चाहिए। लेकिन नाइट्रोजन को जो है हमको उस समय नहीं देना चाहिए, बल्कि रोपाई के जो है 6 से 8 दिन बाद पहली मात्रा, और 1/3 भाग जो है 25 से 30 दिन बाद, और बची हुई 1/3 भाग जो है उसको रोपाई के 50 से 60 दिन बाद देना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए पीने का साफ पानी हमारी पहली आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस ध्येय को सफल बनाने के लिए ही जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। मौजूदा समय में इस मिशन ने कितनी सफलता पाई है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। हर घर जल का सपना सच करने के लिए मोदी सरकार ने पुरजोर कोशिश करते हुए देश के 1 लाख गांव
और 50,000 ग्राम पंचायतों में लक्ष्य को हासिल कर लिया है। 2024 तक देश के हर घर में साफ पानी पहुंचाने का उनका ये सपना मात्र 23 महीने की छोटी अवधि में 1,00,000 गांव तक पहुंचा चुका है, जबकि इस कार्यक्रम की शुरुआत में देश के 18,94,00,000 ग्रामीण घरों में से केवल 3,23,00,000 घरों में नल के कनेक्शन थे, यानी केवल 17% घरों में, जबकि कोविड के दौरान भी 23 महीनों में 4,49,00,000 कनेक्शन दिए गए। साथ ही 50,000 ग्राम पंचायतों में हर घर में नल का पानी पहुंचाने का लक्ष्य भी हासिल किया गया। ये हर्ष की बात है कि देश के 7,72,00,000 घरों में नल के पानी की आपूर्ति हो रही है। वहीं गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। वो दिन दूर नहीं जब सरकार का ये अभिनव प्रयास रंग लाएगा और पूरे देश में हम 100% साफ पानी मुहैया करा सकेंगे। प्रधानमंत्री के इस मिशन को पाने के लिए आदर्श वाक्य कोई भी छूटे ना, इसके लिए प्रयास और तेज कर दिए गए हैं। वर्तमान में देश के 71 जिलों, 824 प्रखंडों, 50,309 ग्राम पंचायतों और 1,00,275 गांव में हर घर जल का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। इस मिशन में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। घरों में पीने के पानी की सुनिश्चित उपलब्धता, ग्रामीण भारत में सदियों पुरानी पानी ढोने की कठिन परिश्रम के चलन से मजबूर महिलाओं और युवा लड़कियों को बचाएगी। ये उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करेगा। साथ ही सुविधा से शहरी ग्रामीण अंतर मिटेगा। 5 साल की छोटी अवधि में हर ग्रामीण परिवार को नल का पानी उपलब्ध कराने के इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने 3,60,00,000 रुपए आवंटित किए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 2021 और 22 यानी चालू वित्त वर्ष के लिए फंड आवंटन में 4 गुना वृद्धि को मंजूरी दी गई है, ताकि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धन की कमी ना हो। अगले 5 साल यानी 2025-26 तक 1,42,084 रुपए की निधि सुनिश्चित है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इस विशाल निवेश से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही गांव में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। जल जीवन मिशन के तहत पानी की कमी वाले क्षेत्रों, गुणवत्ता प्रभावित गाँव, आकांक्षी जिलों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बाहुल्य गांव और सांसद आदर्श ग्राम योजना वाले गांवों में घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले 23 महीनों में 117 आकांक्षी जिलों में नल के पानी की आपूर्ति 7% से 4 गुना बढ़कर 33% हो गई है। जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 61 जिलों में 97,00,000 से ज्यादा घरों में पानी की आपूर्ति की गई है। 696 ऐसे जीवाई गांव और 29,063 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बाहुल्य गांव में हर घर जल का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। वो दिन दूर नहीं जब जल जीवन मिशन 2024 तक भारत के प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित गुणवत्ता में नल के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सभी प्रयास सफल होंगे। तो आज के लिए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें ये कार्यक्रम आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और फिर आत्मनिर्भर भारत के जो पहले प्रसारित कार्यक्रम हैं वो भी आप कभी भी कहीं भी अब YouTube के जरिए देख सकेंगे। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।